नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज के इस नए लेक्चर में हम फोटो एडिटिंग पढ़ेंगे और फोटो एडिटिंग के डिफरेंट टाइप्स भी समझेंगे। एक्चुअली फोटो एडिटिंग क्या होता है? तो फोटो एडिटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है। और फोटो एडिटिंग में ये होता है कि जो हम इमेज को अल्टर करते हैं, जैसे फ़ोटो में क्या होता है, जैसे किसी प्रकार की कोई फ़ोटो में कोई कमियाँ दिख रही हैं या उसके ब्राइटनेस या सेचुरेशंस कम हैं तो उसको सही करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग में आपको पता है कि फ़ोटो के थोड़े सी हम पार्ट्स को कट करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, फ़ोटो का मतलब तो आपको पता है पिक्चर्स, और एडिटिंग का मतलब होता है जहाँ हमें ज़रूरत हो, हमें जहाँ करेक्शन करना हो, जहाँ हमें चेंजेस करने हो किसी भी फील्ड में, चाहे न्यूज़ में हो, फ़ोटोज़ में हो या किसी और एलिमेंट में हो, तो वहाँ एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोटो एडिटिंग का मतलब हुआ कि फ़ोटो में कोई करेक्शन करना, कोई चेंज करना, कुछ नए चीज़ें ऐड करना, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ों का जो टेक्निक्स है वो फ़ोटो एडिटिंग में काम होता है। फ़ोटो एडिटिंग जो होता है वो मैनुअली टेक्निक से कंडक्ट किया जाता है। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, लेकिन कुछ लोग मैनुअली भी करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग कम आफ्टर द फोटोग्राफ्स आर टेकन ड्यूरिंग द फोटोशूट। जब फोटोग्राफ्स क्लिक हो जाता है उसके बाद फ़ोटो एडिटिंग हम लेते हैं। और फ़ोटो एडिटिंग में हम इमेज को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हम अपने इमेज को और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, देखिए हम बहुत सिंपल भाषा में समझने वाले हैं, बहुत लेंदी नहीं पढ़ेंगे। इधर आते हैं और देखिए, फ़ोटो एडिटिंग के दो डिफरेंट मैं कह सकता हूँ कि टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल फ़ोटो एडिटिंग। सिंपल में क्या करते हैं कि हम स्ट्रेंथ करते हैं, क्रॉप करते हैं, रिसाइज करते हैं, नॉइज रिडक्शन लाते हैं, वाइट बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोज, कलर एडजस्टमेंट, बैकग्राउंड रिमूवल। सिंपल में क्या करते हैं, सिंपली फ़ोटो को क्रॉप करना है तो हमने क्रॉप कर दिया, छोटा करना है तो छोटा कर दिया, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉइस है, मतलब कुछ धब्बा धब्बा सा है, उसे हटाना है तो वो एडिटिंग कर दिया। वाइट बैलेंसिंग, बहुत ज़्यादा लाइट है उसको कम करना, सिचुएशन को मेंटेन करना, कॉन्ट्रास्ट कितना ज़्यादा होना चाहिए जिससे मैच करे फ़ोटो। ठीक है, कलर का एडजस्टमेंट करना, और कोई भी बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए हम किसी फ़ोटो में देखते हैं कि हम खड़े हैं यहाँ पे और पीछे का बैकग्राउंड ताजमहल का हो जाता है, तो उसको भी हम सिंपल फ़ोटो एडिटिंग में आएंगे, मतलब कंक्लूड करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में क्लिपिंग पथ, स्पेशल इफेक्ट, एडजस्टिंग टेक्स्ट विजुअल, फोटो स्क्रैचिंग, फोटो मास्किंग एंड लेयरिंग, ड्रॉप एंड रिफ्लेक्शन शैडो। देखिए क्या होता है, जैसे स्पेशल इफेक्ट डाल देना, किसी प्रकार से फ़ोटो है उसमें कुछ इफेक्ट डाल के उसको और ज़्यादा एनहेंस कर देना, टेक्स्ट विजुअल्स उसमें प्रेजेंट कर देना, फ़ोटो को हम वीडियो फॉर्मेट में चेंज कर दें या फ़ोटो में कुछ ऐसे इफेक्ट्स डाल दें, कुछ टेक्स्ट उसमें इंक्लूड कर दें रिटर्न फॉर्मेट में, फ़ोटो को स्क्रैच करके थोड़ा बड़ा करें, फ़ोटो को मास्किंग करें। मतलब फ़ोटो को मास्क करने का मतलब कि दो फोटो में आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दैट कि फ़ोटो एडिटिंग हो रहा है जिसमें कि आपने देखा होगा क्लोन पर्सन, मतलब एक वीडियो में दो पर्सन है तो मास्किंग का प्रयोग होता है। उसी तरह फ़ोटो में भी एक ही जगह पर दो आदमी दिखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फ़ोटो मास्किंग। एंड ड्रॉप एंड रिफ्लेक्शन शैडो क्या होता है, जैसे किसी फ़ोटो में रिफ्लेक्शन ले आ जाना, किसी फ़ोटो में शैडो का प्रयोग करना, उसमें पीछे का हल्का सा शैडो लगा देना, तो दिस इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फ़ोटो एडिटिंग। तो सिंपल में आपने समझ गया कि बहुत सिंपल जो भी चीज़ें होती हैं उसको इंक्लूड करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फ़ोटो एडिटिंग में हम बहुत ज़्यादा फ़ोटो को कॉम्प्लेक्सिटी से एडिटिंग करते हैं, एडिट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। इधर मैंने काफ़ी लेंदी वर्ड में से लिखा हुआ है, बट आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। आई होप मैंने सब पॉइंट आपको अच्छे से समझा भी दिया है। पढ़े थे तो हमें समझ में आया, तो हमने चीज़ को समझा दिया। तो इस लेक्चर में हम फ़ोटो एडिटिंग पढ़ ली है और फ़ोटो एडिटिंग के टाइप्स पढ़ लिए हैं।